जब आपने अपने एक लेक्चर में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह हदीस बात कोट की थी कि तिजारत के लिए दो शरायत हैं, एक ये कि जो माल आपने बेचना है वो आपके गोदाम पर या दुकान पर मौजूद हो और उसकी कीमत अदा कर दी गई हो, लेकिन आजकल कंपनियां अक्सर क्रेडिट पर माल देती हैं और ये भी सहूलत देती हैं कि जब ग्राहक से सौदा पा जाए उसी वक्त हमसे माल मंगवा लिया जाए, इस तरह की डील की क्या हैसियत है? मजीद बड़ा मेरा एक दोस्त मुझे कारोबार शुरू करवाने के लिए इस तरह की सपोर्ट देना चाहता है कि क्रेडिट पर माल और सौदा तय होने पर माल की फराहमी, क्या ये जायज है? जी बिल्कुल जायज नहीं है। आप ये देखें कि हमारे यहां जो महंगाई है और जो मईशत की तंगी है उसका सबब यही है। शरीयत में जिस चीज को ट्रांजैक्शन कहा जाता है कि ये बै हो गई, वो दो चीजों का नाम है। एक ये कि आप उसके दाम चुका दें, कीमत अदा कर दें, दूसरा ये कि माल उठा लें, तो चीज आपकी हो गई। आपने दाम चुका दिए, माल नहीं उठाया, फिर भी चीज आपकी नहीं हुई, और जब तक वो चीज आपकी नहीं होती आप बेच नहीं सकते। ये तो मैंने उसूली बात आपको बता दी। अब हो क्या रहा है पूरी दुनिया में वो जरा ध्यान से सुन लें। हो ये रहा है कि ये जो कमीशन एजेंट बैठे हुए होते हैं ना, और ये दरमियान में जिसे सिमसार कहते हैं अरबी में और मिडिल मैन कहते हैं अंग्रेजी में, ये बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। होता क्या है, एक साहब ने टेलीफोन किया बाजार में किसी एजेंट को कि भाई देखो ये 1000 मन गंदम मेरे यहां पड़ी हुई है, खरीदनी है? उसने कहा हाँ, बहुत है, हो गए साहब 100 रुपये मन में खरीद दो। बहुत अच्छा जी, मेरी हो गई जी, ये गंदम मेरी हो गई। और वो गंदम वहीं पड़ी हुई है, एक ढेला इसने पैसा नहीं दिया, न गंदम वहां से उठवाई है, न गंदम मेरी हो गई। अब ये जो कहता है कि गंदम मेरी हो गई, ये उठा के किसी और को फोन करता है, ओ यार 1000 गंदम पड़ी है, 1000 मन गंदम लेनी है? कहता हूं मुझे ले लो, मेरे पास है। क्या भाव है जी? 120 रुपये मन। 20 रुपये बढ़ा दिए अपनी तरफ से, वो 20 रुपये का नफा, 20,000 रुपए का नफा, एक पैसा खर्च किए बगैर, सिर्फ एक टेलीफोन इधर से सुना, एक टेलीफोन इधर किया और 20,000 रुपए मुनाफा जेब में डाली। अब वो जिसने 120 रुपए में खरीदी है वो आगे किसी को टेलीफोन कर देता है, भाई मेरे पास 1000 मन गंदन है, खरीदनी है? हम कहते हैं हाँ। क्या भाव? 130। उसने 130 में खरीद। अब ये इसने 10,000 रुपए उस पे, हर एक मन पे 10 रुपए, तो 1000 मन पे 10,000 रुपए इसने जेब में डाली। वो जिसने 130 में खरीदी है वो आगे बेचता है, आगे किसी को फोन करता है, अभी गंदम खरीदनी उसने, हाँ कितने में? 150। वो 150 में बेच देते, 20,000 रुपए वो जेब में डाल लेता। ये क्या है? ये मिडिल मैन है। वो बेचारा कहीं जो 150 में खरीदता है वो कहता चलाओ गंदम कहां है, वो जाके गंदम वहीं से उठवाता, पड़ी हुई हुई नहीं, वो रास्ते में जिन लोगों ने गंदम भी वहीं पड़ी हुई, वो 150 में उठाता है और 150 से वो उठा के अपने गोदामों में लाता है और 170 में बेचता है। अब ग्राहकों का तो कबाड़ा हो गया ना, वो गंदम जो कि सीधी 100 रुपए मन बिक सकती थी बाजार में आके, वो 170 में बिक रही इस मिडिलमैन की वजह से। 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सारे मिडिल मैन 10,000, 15, 20 हजार रुपए सिर्फ एक टेलीफोन, एक झेला ना उसके पास है ना उसके पास है, ना वो ताजिर है ना वो ताजिर है, सारे फांक,
सिर्फ एक दफ्तर और एक टेलीफोन कमरा और टेलीफोन लिए बैठे और कीमतें चढ़ाते चले जा रहे हैं, ये इस्लाम के नजदीक हराम है। तिजारत करनी है, माल ले लो, मार्केट में ले आओ, बेचो, मुनाफा कमाओ। तुमने खरीदा था माल 100 रुपए मन, तुम उठवाते बाजार में लाते 110 पे तुम बेच देते, 120 पे बेच देते, वो ठीक था। आगे तुम किसी और मिडिलमैन को, वो मिडिलमैन किसी और मिडिलमैन को, वो किसी आगे किसी और एजेंट को, वो किसी और एजेंट को, यूं करते करते अवाम को तुम जलील कर देते हो। इसकी इजाजत नहीं है, इससे आपने मना फरमाया।